हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नए डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने ब्लाउज और लाइनिंग कट कर लिया है। अब मैं आपको ब्लाउज का साइज बताती हूँ। देखिए, इसकी जो लंबाई ली हमने 16 इंच ली है, तैयार में 14 इंच आएगी और ये हम 34 साइज का बना रहे हैं। तो डबल फोल्ड में हमने 8.5 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर में 6 इंच लिए, मुड्डी भी 6 इंच ली और उसमें 1.5 इंच की गुलाई दी है। देखिए, इस तरह हम ब्लाउज और लाइनिंग दोनों सेट कर लेते हैं और इसका नेक कट करेंगे हम शोल्डर से 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह। और इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 8 इंच लेंगे, तैयार में 7.5 इंच आएगी इस तरह। और इसमें हम गुलाई देंगे देखिए इस तरह, इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह हमने कट कर लिया, इसे हम साइड में रख लेते हैं। हम साइड में रखेंगे और देखिए हमने ये पट्टी कट करी है 1.5 इंच चौड़ी, इसकी हम डोरियां निकालेंगे। तो इस तरह मैंने ये 5 पट्टियां कट करी हैं। देखिए, नीचे मैंने ब्लाउज सीधा रखा है, इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे इस तरह पूरा सेट करते हुए। देखिए, इस तरह मैंने पिन से सेट कर लिया और पूरे नेक में हम सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, इसे अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरह हम, और इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे हम। देखिए, इस तरह मैंने पलट लिया है, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। देखिए, इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, अब हम नीचे फिनिशिंग और प्लेट डालेंगे। देखिए, सेंटर पार्ट से मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया है और ये मैंने 6.5 इंच लंबी प्लेट डाली है। इस तरह फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच छोड़ के सिलाई लगाएंगे हम। देखिए, इस तरह हम नीचे फिनिशिंग देंगे। देखिए, इस तरह और स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। देखिए, नीचे में फिनिशिंग दे दी, अब डोरी तैयार करेंगे हम। देखिए, ये पट्टी हम इस तरह फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच छोड़ के सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है और बड़ी सुई मैंने धागा डाली है 4 फोल्डिंग इस तरह रखेंगे। देखिए, इस तरह इसी तरह मैं बाकी सारी डोरी निकाल लेती हूँ। देखिए, इस तरह मैंने 5 डोरी निकाल ली है, अब ब्लाउज में अटैच करेंगे इसे हम। देखिए, इस तरह ऊपर से हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। देखिए, हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। देखिए, इस तरह हम 5 डोरी एक संग रखेंगे। यहाँ सिलाई लगा लेते पहले। देखिए, इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है और देखिए इस पट्टी को हम इस तरह सेट करते हुए बीच में हम 1-1 इंच का गैप देंगे।
देखिए इस तरह, और सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरह मैंने डोरी लगा दी है, यहाँ पे सिलाई लगा दी है। देखिए इस तरह हमने अपने ग्रीन कलर के बटन लगाए, देखिए इस तरह, और यहाँ पे हमने एक गोल्डन कलर का फ्लावर लगाया, तो देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है ब्लाउज का। इस आसान तरीके से भी सुंदर सा ब्लाउज डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर।